भी गुस्सा है, आप गुस्सा निकल रहा है। धोनी ने जब पूरी दुनिया में धूम मचाई तो बिहार और झारखंड आपस में भिड़ गए, लोगों में होड़ मच गई कि धोनी बिहार का है तो धोनी झारखंड का है। हालांकि धोनी ने ऐसे ही धूम नहीं मचाया, धोनी को धूम मचाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का कहा जाएगा तो वो गुरु का है, जिसका जिक्र बार बार धोनी अपनी ज़ुबान पर करते रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर ये शारीरिक शिक्षक हैं जो बिहार सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गर्दनी बाग का एरिया है पटना, यानी बिहार में बिहार सरकार के द्वारा यही एक जगह ऐसी है जहाँ पर निर्धारित किया गया है आप आकर प्रदर्शन कर सकते हैं सरकार के खिलाफ। आइए हम जानने की पहले कोशिश करेंगे कि पूरा माजरा क्या है, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि आखिरकार बिहार में इतने प्रदर्शन खास तौर पर जो युवा वर्ग है वो क्यों करने लगा है, क्या बात है, पूरा मैटर क्या है। मैडम ये बात ये है कि बोलिए जरा, सरकार ने हमारी शारीरिक शिक्षा के बहाली के लिए 8 साल पहले एक प्रक्रिया चलाई थी जिसमें कुछ हाई स्कूल के शिक्षकों को बहाल किया गया 8 साल के तक, उसके बाद कोई बहाली प्रक्रिया नहीं चली। फिर 2019 में सरकार शारीरिक शिक्षक बहाल प्रक्रिया लेके आई, उस जिसमें कि 8000 कुछ शिक्षकों को नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी रखी, जिसमें कि सिर्फ पास कैंडिडेट 35000 कुछ कैंडिडेट ही पास हुए हैं। उनकी प्रक्रिया बहाल करने के लिए उन्होंने अब कैबिनेट की बहुत सारी कि हम अभी कराएंगे 2020 तक आपका प्रक्रिया बहाल हो जाएगी, लेकिन अभी तक नहीं हुआ कुछ भी कोशिश करें। कोरोना काल आ गया से टालते टालते अब तक ये 2020 आ गया और अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। सरकार से जब आप लोगों की मांग होने लगी तो सरकार ने क्या कोई आधिकारिक बयान अभी फिलहाल में कुछ दिया था क्या? अभी कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से नहीं आई है, कोई आश्वासन अभी हमें नहीं दिया गया है कि वो हमारी प्रक्रिया बहाल करेंगे या नहीं करेंगे। आयोग से या फिर शिक्षा मंत्री से नहीं अभी मुलाकात हो पाई? जी नहीं, आयोग से अभी मुलाकात और शिक्षा मंत्री से वो हमारा हाल पूछने आ ही नहीं रहे। हम 9 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ ही हमें पूछने तक का रहे हैं। अभी तक तो कोई प्रक्रिया और नहीं, शिक्षा मंत्री नहीं, कोई मंत्री यहाँ पे हमारी चीज़ों को मांगों को पूरा नहीं आ रहा है। हम आपको बता दें, सबसे ज़्यादा हैरानी हमें तब होती है कि पद खाली रह जाते हैं और बिहार सरकार उन पदों पर लोगों को नहीं लाती है। एक तरफ बच्चों का भविष्य और दूसरे तरफ इनका भी जो नौकरी देने का वादा था जिसको लेकर के बहाली निकाली गई थी वो भी नहीं हुआ। बिहार में 32,000 खाली पद अब भी खाली पड़े हैं, फिर भी इनकी बहाली नहीं की जा रही है, जबकि ये महज 3500 ही लोग पास होकर के आए हैं, यानी उत्तीर्ण हुए लोग 3500 हैं जिन्हें योगदान कराना है। महज इतनी छोटी सी प्रक्रिया के लिए बिहार सरकार 1 साल से ज़्यादा का वक्त ले चुकी है। मैडम, आपकी शादी हो गई है? जी नहीं। आप देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि अगर लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को जब लेकर सामने आया गया तो ये हुआ कि बेटियां अपने लक्ष्य तय करेंगी। इस बेटी ने भी लक्ष्य को तय किया, वहां तक पहुंची भी, लेकिन बिहार सरकार ने अभी तक योगदान नहीं कराया। घर गृहस्थी कैसे बसाएगी, क्या करेगी फिर आगे लाइफ में, आपको क्या लगता है मैडम, कितना और प्रदर्शन करना पड़ेगा आपको? हमें तो कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम अभी कितना प्रदर्शन करें, कब तक हमारी सरकार मांगे पूरी करे। सही कहा, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम आपको हिदायत देते हैं कि बिहार में कहीं भी आप प्रदर्शन मत करिए, आप पर केस हो जाएगा, FIR हो जाएगा, थाने में लोग डाल देंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये हम नहीं मैडम, माफ़ करिए, लेकिन बिहार सरकार ऐसा ही कह रही है। बिहार सरकार ऐसा क्यों कह रही है, आखिर तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ, हम करें क्या आखिर, हमें भी तो सरकार तो कह रही है कि हमारी इज्जत बचा लो, प्रदर्शन मत करो। तो हम फिर तो बिहार सरकार को हमारी नौकरी बहाल करें, तब तो हम प्रदर्शन करना बंद कर देंगे। हम शांतिपूर्ण से कर रहे हैं, हम कौन सा दंगा फसाद और बाकी चीज़ें कर रहे हैं। हम अपनी मैडम शांतिपूर्ण से ही होता है, जिन पर लाठियां चार्ज की गई हैं पहले। बिहार सरकार को लेकर के दरोगा बहाली में एक हम ऐसे पत्रकार थे जिस पर FIR तक किया गया है, अब आज भी केस लड़ रहे हैं। सरकार अब FIR करे या फिर हम, तो फिर हमें भी जवाब देना कि हम क्या करें। बेटी है भाई, अपने हक के लिए लड़ना जान गई है, इतना तो अब साक्षर जरूर अब हमारा बिहार भी हो गया है। नीतीश कुमार को यह समझ लेना चाहिए, फरमान सिर्फ वहाँ पर बैठ करके सचिवालय से आप जारी नहीं कर सकते हैं। आइए और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपकी शादी हो गई है? नहीं। घर परिवार? अच्छा, घर परिवार में माँ बाप कैसे हैं? अरे पिताजी तो पूछते पूछते गुजर गए। अच्छा। और दुख है हमें इस बात का भाई, और आप बीच में तो पूछना भी अब सब लोग बंद कर दिया, उनको भी लगता है। ये सरकारी मुलाजिमों का यह बेशर्म रवैया लोगों को रोड पर ला करके छोड़ दिया है, आप हैरान हो जाएंगे लोगों का दुख दर्द सुन करके। बताइए भाई। हाँ, जैसे ही रिजल्ट हुआ था पिताजी बहुत खुश हुए थे, और इस रिजल्ट लगता था कि कब होगा हमेशा पूछा करते थे,
और इस बीच में जब वो बीमार पड़े और हमारे बीच नहीं रहे, आज ऐसा लगता है कि ये जॉब क्या होगी, नहीं होगी, किसके लिए होगी। और आज भी देखिए, हम लोग सोचे थे कि एग्ज़ाम पास करेंगे और सीधे स्कूल में होंगे, आज एग्ज़ाम पास किए हैं और सीधे रोड पे हैं। आप सोच सकते हैं कि पूरे लोग, आज नौवीं दिन है, नौवां दिन से आदमी एक बार खाता है और पूरा का पूरा शाम का वेट करता है, और उस शाम में भी मिलता है नहीं मिलता है इसका कोई गारंटी नहीं। जैसे तैसे लोग का जीवन चल रहा है, और इस उम्मीद के साथ हम लोग बैठे हुए हैं कि काश कभी उनके बात, ये जो बात है, जो हमारी दर्द है, काश वो महसूस करें आप सभी के मार्फत, और उनको ये समझ में आए कि आज हम किस परिस्थिति से हैं और किस परिस्थिति में जूझ रहे हैं। इनकी बातों को सुन करके हमें अब यह कहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, सिर्फ ये अपना भविष्य नहीं बर्बाद कर रहे हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहे हैं। हम बिहार सरकार से गुजारिश करते हैं कि इनकी बातों पर ज़रा गौर करिए, क्योंकि यह बात अगर इनके देहज के, इनके व्यक्तिगत नौकरी का, स्वार्थ का होता तो शायद हम इतने जोर शोर से इन बातों को नहीं उठाते। लेकिन बात उनकी भी है जो स्कूलों में जा करके शिक्षा लेना चाहते हैं, यानी आपको लगता है कि हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमें नौकरी मिल जाएगी, तो आप भैया सो रहे हो, पहले आप जग जाओ। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा लिखेगा तो अफसर कलेक्टर बन जाएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, क्योंकि शारीरिक ये शिक्षक हैं जिनकी दक्षता आप देख सकते हैं, उत्तीर्ण हुए हुए हैं और अब तक इन्हें योगदान करने को नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कितनी लचर व्यवस्था है बिहार सरकार की, और उससे भी ज़्यादा लचर व्यवस्था उसकी है कि हम प्रदर्शन नहीं कर सकते और हम पत्रकार कवर भी नहीं कर सकते। आप नहीं करता तो आज नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री नहीं होते। ये और भी गुस्सा है, अब गुस्सा निकल रहा है, गुस्सा निकालने के लिए हमारे जैसे लोगों को बोलना पड़ रहा है। माफ करिए, पैर लगा, बताइए। अगर प्रदर्शन नहीं करते तो जेपी आंदोलन का वो लोग प्रोडक्ट नहीं निकलते। रामविलास पासवान हो गए, लालू यादव हो गए, ये नीतीश जी है, अपना बिजनेस चला रहे हैं, और बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई केस कर देंगे, तो आप FIR कीजिए। रुके क्यों हैं आप FIR करने के लिए? हम अपने तमाम दर्शकों को यह बता देना चाहते हैं, बिहार में बहुत जल्द एक महाप्रदर्शन देखने को मिलेगा। महाप्रदर्शन मतलब समझ लीजिए कि एक बार फिर से छात्रों के द्वारा बिहार में प्रदर्शन होंगे, और बिहार एक बार फिर से ऐसे नेताओं को खारिज करने वाला है। देखने वाली बात है क्या कुछ होगा, लेकिन जो खुद छात्र नेता के पैदाइश से हैं, छात्र नेता बनकर उभरे हैं और आज मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं, उसके बाद क्या गुस्सा है भाई, क्या गुस्सा है? यह एक बहुत बड़ा गुस्सा है जो कि यहाँ के लोकतंत्र पर घात है। एक पत्रकार को जेल दिया जाता है, पत्रकार पर हमलाएं कराई जाती है, जो कि सत्य बात अगर वो पानी जैसा निखार कर लाता है। अगर हमारे पत्रकार बंधु यह स्तंभ कहलाते हैं लोकतंत्र का, अगर ये नहीं उठाएंगे। पत्रकारों की आवाज़ को छोड़ दीजिए, आप महज हमें ये अपनी पीड़ा बताइए। हम लोगों की वो पीड़ाएं है जो कि दर्द सहन नहीं होता और कह नहीं सकते, जो कि 9 दिनों से भूखे प्यासे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप इस संगठन के अध्यक्ष हैं मेरी जानकारी के अनुसार? जी जी। आप शिक्षा मंत्री के पास क्यों नहीं गए? मैंने शिक्षा मंत्री के दरवाजे विगत वर्षों से खटखटाया, जब चुनाव नहीं हुई थी उस समय शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा हुआ करते थे, उनके घर तक मैंने जुलूस निकाला। लेकिन मौजूदा सरकार में क्यों नहीं गए? मौजूदा सरकार में मैंने मिलने की तमाम कोशिशें की, लेकिन जो यह शिक्षा मंत्री हैं वो पता नहीं कौन सी तानाशाह शिक्षा मंत्री बने हैं, डायरेक्ट मिलने के लिए एकदम खारिज कर देते हैं, और नहीं मिले तब जा करके मुझे यह सड़क पे आना पड़ा। यह सड़क रोड जो होती है गाड़ी चलने के लिए, यह फिजिकल टीचरों को बढ़ने के लिए, बैठने के लिए रोड नहीं होता है, उनके बैठने के लिए सोफा लगे हुए हैं। और क्या फिजिकल टीचर जो देश के भविष्य हैं, टीचर देश के भविष्य बनाएंगे, बच्चों को उभारेंगे? बिल्कुल उभारेंगे, शिक्षक ही एक है जिससे कलेक्टर SP DM या नेता निकलते हैं। और मुख्यमंत्री जी कान खोलकर सुन ले कि एक उनकी धर्म पत्नी एक शिक्षक ही रही, वही कमाई, वही की और उनका जीवन सवार किया जो मुख्यमंत्री बने। बाबू बेटा सोना हीरा सब लोग सुन लो, अगर आपको लगता है कि आप खेल करके कुछ नाम कमा लेंगे तो भैया आप बिहार से बाहर चले जाइए, क्योंकि आपके गुरु तो यहाँ बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं।
धरना दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो यह है कि आखिरकार आने वाले दिनों को हम बिहार को कैसे और बेहतर बनाएं, लेकिन बिहार सरकार की ये जो नई शिक्षा नीति है या फिर नई जो शिक्षा मंत्री हैं ये क्या करेंगी, ये तो हमारे पल्ले भी नहीं पड़ता भैया। देखने वाली बात है। बिहार को लेकर एक बार फिर से हम आगाह कर रहे हैं, बिहार में बहुत जल्द महाप्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, महाप्रदर्शन हो रहा, वो भी छात्रों के द्वारा किया जाएगा, यानी बिहार में एक बार फिर से बिहार उबलने वाला है। तैयार रहिए इसके लिए, क्योंकि हम तो तैयार हैं, साथ ही इन लोगों को भी अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।